हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय एयरफोर्स की। देखिए, इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में ब्रिटिश भारत के दौरान हुई थी। इसका जो वर्तमान में साइज है वह 1,39,576 इसमें एक्टिव पर्सनल हैं तथा 1,40,000 इसमें रिजर्व पर्सनल हैं। अगर एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसमें 1,850 प्लस एयरक्राफ्ट हैं। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अगर मोटो की बात करें, देखिए ये इसका मोटो है, गीता से लिया गया है। देखिए इसका जो कमांडर है वो राष्ट्रपति होता है, यानी वर्तमान में रामनाथ कोविंद इसके कमांडर हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करें तो ये हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये हैं विवेक राम चौधरी। अगर हम इसके यूज की बात करें, विभिन्न ऑपरेशंस में इसका यूज किया गया है, जैसे वर्ल्ड वार सेकेंड, इंडो पाकिस्तान वार 1947, इंडिया पाकिस्तान वार 1965, इंडिया पाकिस्तान वार 1971, इसमें भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया था। इसके अतिरिक्त कांगो क्राइसिस, कारगिल वार, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, हाल फिलहाल में बालाकोट एयर स्ट्राइक, इसमें इसका यूज किया गया है। देखिए बालाकोट एयर स्ट्राइक में MiG-21 की काफी भूमिका रही थी। अब हम इसके एयरक्राफ्ट को देखते हैं। देखिए जो पहले नंबर पे आता है, यानी सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट है, वह है डसॉल्ट का राफेल। ये हाल फिलहाल में ही फ्रांस से परचेज किया गया है। काफी राजनीतिक उबाल भी था इसको लेके। देखिए जो राफेल एयरक्राफ्ट है इसकी भारतीय वायुसेना में संख्या है 23, और अभी 13 ऑर्डर में है। ये एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इसकी जो मारक क्षमता है वह 3700 किलोमीटर। जो दूसरे स्थान पे आता है वह सुखोई 30 MKI। देखिए ये भी एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। इसकी जो संख्या है भारतीय वायुसेना में वह 272। ये भी 4th+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इसकी भी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है। ये रशिया द्वारा डेवलप किया गया है। जो हमारा अगला एयरक्राफ्ट है वह MiG-29। ये MiG-29 देखिए ये भी रशिया के द्वारा डेवलप किया गया है। इसकी जो भारतीय वायुसेना में संख्या है वह 66 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इसकी जो मारक क्षमता है वह 2100 किलोमीटर। जो हमारा अगला एयरक्राफ्ट है वह HL-Tejas। ये स्वदेशी एयरक्राफ्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL द्वारा इसको डेवलप किया गया है। देखिए इसमें दो वर्जन है, एक है MK-1 एक है MK-2। MK-1 जो वेरिएंट है इसके अभी जो 22 एयरक्राफ्ट हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, 10 ऑर्डर में हैं। जो MK-2 वेरिएंट है इसमें 83 जो एयरक्राफ्ट हैं उनको ऑर्डर दिया गया है। टोटल 73 जो MK-2 एयरक्राफ्ट है वो 73 ऑर्डर में है, और 83 एयरक्राफ्ट टोटल हाल फिलहाल में तैयार हो जाएंगे। ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। देखिए जो HAL है इसने सर्वप्रथम 1990 के दशक में एक जेट डेवलप किया था जिसका नाम था HAL मारुत। अगर हम अगले एयरक्राफ्ट की बात करें तो है ये मिराज 2000। देखिए जो मिराज एयरक्राफ्ट है, यह मिराज ये भी फ्रांस के द्वारा डेवलप किया गया है। काफी पुराना एयरक्राफ्ट है। इसकी जो भारतीय वायुसेना में संख्या है वह 49। जो अगले स्थान पर है वह जैगवार। यह जैगवार फाइटर जेट। इसकी जो भारतीय वायुसेना में संख्या है वह 120। वर्तमान में ये अंडमान निकोबार में तैनात है। ये ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। ये विश्व का एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट है जो परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। जो हमारा अगला एयरक्राफ्ट है वो है MiG-21। यह MiG-21 ये बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है, रशिया के द्वारा डेवलप किया गया। देखिए इसकी जो भारतीय वायुसेना में संख्या है वो 107। 2025 में ये रिटायर हो जाएगा। ये एक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है। देखिए तो आज हमने एयरक्राफ्ट को कवर किया। जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें जो एवॉक्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट
इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, टैंकर, हेलीकॉप्टर्स, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य टॉपिक पे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।